बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाफिज़ मोहम्मद असराई फिर थोड़ी खिदमत में एक नवी रेसिपी लेके आया। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान मक्खन कढ़ने का तरीका, बिल्कुल आसान। रोज़ दी रोज़ तुम ताज़ा मक्खन कढ़ के खाओ तो इंजॉय करो, तो चाहे मलाई थोड़ी जी भी हो ते ताज़ा तुम कढ़ो हैंड बीटर ना तो खाओ, मज़े करो। तो देखो जी, साड़ी थोड़ी जी मलाई सी तो उन्होंने असं हैंड बीटर ना पहलों थोड़ा ग्राइंड करके तो इन्हें देखो जी लिक्विड शक्ल च आ गई है। तो उस तो बाद असी नॉर्मल एक कवला पानी का पा देना, पानी का पा के तो असी हैंड बीटर ना अच्छी तरह रगड़ा लाना है। देखो जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिड़क होंगे, बहुत ही आसान, ना चाटी की जरूरत ना मधाणी की जरूरत, बहुत ही आसान बन के इदा बनता मक्खन। इनू तकरीबन 2-3 मिनट असी रगड़ा। देखो जी माशाल्लाह 2-3 मिनट रगड़न तो बाद साड़ी तकरीबन ये मक्खन साड़ा आने वाला ही है। ये थोड़ा बहुत रह गई कसर, तकरीबन असी इनू 20-25 सेकंड रिड़के तो साड़ा मक्खन आ जाना, थोड़े सामने मक्खन आ जाऊगा। देखो जी माशाल्लाह असी इन जिदा रिड़कते जाने तो मक्खन उत्ते आई जाता है। देखो जी माशाल्लाह इनू रिड़की जाना तो मक्खन खुद ब खुद ही उत्ते आ जाना है। दोस्तों चैनल तो नवे चैनल में सबसक्राइब कर लो, घंटी के बटन नप लो ताकि आने वाली वीडियो थन टाइम पर मिल जाए। देखो जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितना जबरदस्त साड़ा मक्खन आ गया उत्ते। देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखो जी मेरे अल्लाह की नेमत। देखो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आसान, 5 मिनट में मक्खन आ जाता। तुम रोज़ाना का रोज़ाना रिड़क के तो ताज़ा ताज़ा खाओ तो इंजॉय करो। देखो जी माशाल्लाह पेड़ा, तो हुण इहदे च आपां लस्सी अच्छी तरह नचोड़ लैनी। इहनू इदा हाथ ते पा के थोड़ा थोड़ा इदा कीती जाणा, थोड़ा थोड़ा इहनू दबाई जाणा ताकि लस्सी साड़ी सारी विचों रिमूव हो जावे। तो इहनू पराठे बना खाओ तो इंजॉय करो। देखो जी माशाल्लाह हुण इहनू आपां इक प्याली दे विच रखदे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखो जी माशाल्लाह पेड़ा, तो नाल सुक्की रोटी होवे, ताज़ा ताज़ा मक्खन होवे, नाल चीनी, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है।